सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों हम आ गए अपना वाल का होम स्क्रीन पे और जैसा आपने वीडियो का स्टार्टिंग में वीडियो देखा था बिल्कुल इसी तरीके का वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे तो इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग परफेक्टली और आसानी से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे और इस वीडियो का रिक्वेस्ट एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किए हैं तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का चलिए वीडियो को अब आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आपको आल एडमिशन एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लेनी होगी ठीक है जैसे आप ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने ओपन हो आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं नीचे में एक प्लस का ऑप्शन मिलता है इसको क्लिक करेंगे ठीक है इसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल रहे होंगे तो आपको सिंपल सा करना क्या नौ सौ का रेशियो सेलेक्ट करना है यहाँ से आपको हजार एटी या सेवन ट्वेंटी कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं मान लीजिए मैं सेवन ट्वेंटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है नाइन सोलह का लेके कर सेवन ले ट्वेंटी और थर्टी एप पे ब्लैक स्क्रीन लेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा ठीक है अब कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन अब यहाँ पे करना है कि एक फ़ोटो को ऐड करना है जिस भी फोटो के ऊपर आप अपना स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं तो फोटो लाने के लिए यहाँ पे प्लस करेंगे यहाँ पर एक मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और गैलरी से अपना एक फ़ोटो को ऐड कर लेंगे चलिए मैं अपना एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ पहले तो गाइस ये वाला फ़ोटो मैं अपना ऐड कर लेता हूँ परफेक्ट है ये वाला फ़ोटो लाने के बाद मैं जो आप जो वीडियो देखे थे उस पर दूसरा दूसरा फोटो था इसमें मैं इस फोटो पे बता दे रहा हूँ और दोनों फोटो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम जितने लोग भी भाई लोग ज्वाइन नहीं किए हो फटाफट से जाके आप ज्वाइन कर लो ठीक है अब आपको डिलीट के राइट साइड में थ्री डॉट मिलता है इसको क्लिक करना है और यहाँ से फील्ड कॉम्पोजिशन एरिया सेलेक्ट कर देनी है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर थर्ड वाला ऑप्शन लेना है और राइट से लेफ्ट की तरफ हल्का सा बढ़ाएंगे तो ये आपका फ़ोटो फुल स्क्रीन में होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से करके आपको अच्छा से फ़ोटो को एडजस्ट कर लेनी होगी ठीक है अब आपको यहाँ से बैक करना है उसके बाद से आपको स्क्रीन पे एक बार टैप कर दीजिए उसके बाद फिर से प्लस करेंगे यहाँ पे सेप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे डिलीट के राइट साइड में थ्री डॉट है इसको क्लिक करेंगे फिल कॉम्पोजिशन एरिया सेलेक्ट करेंगे ठीक है अब यहाँ पे कलर एंड फील्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ग्रेडियन कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको एक साइड में ब्लैक रहता है एक साइड में व्हाइट रहता है तो वाइट वाले को ऊपर करेंगे और ब्लैक वाले को नीचे करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे ठीक है एकदम बीचों बीच में रखेगा ताकि एकदम अच्छा से आपको इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिले ठीक है देख सकते हैं अब आपको वाइट वाले पार्ट को हटाना है तो वाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करना है ठीक है और इस वाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद ऐसा ही ओपन हो जाता है फिर इस बॉक्स पर क्लिक करना है यहाँ पर एक लाइनिंग मिल जाता है और एक गोल्ड मिल जाता है इसको ऊपर से नीचे खींच देना है ठीक है अब आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक तरीका का आपका यहाँ पर शैडो लग गया है ठीक है अब यहाँ पे गाना को ऐड कर लेते हैं तो उसके लिए भी प्लस करेंगे यहाँ पे मीडिया पे जाएंगे और अपना गैलरी से एक गाना को ऐड कर लेंगे जो भी हम लोग वीडियो बनाए हैं उसी का गाना ऐड करेंगे ठीक है तो ये वाला दोस्तों वीडियो है जैसे आपने वीडियो का स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा था वही वाला है ठीक है अब वीडियो लाने के बाद वीडियो पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ से एक ऑडियो करेंगे और उसके बाद से वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर लेंगे सिंपल काम है अब स्लाइड करके लास्ट तक जाएंगे इस फोटो पे क्लिक करेंगे स्पीड पे जाएंगे और इस एरो पे क्लिक कीजिए इसके बाद से इस साइडो पे क्लिक करेंगे स्पीड पे जाएंगे और इसको क्लिक कर लेंगे ठीक है यहाँ तक उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा सबसे पहले हम लोग फोटो को ऐड किए उसके बाद से फोटो को अच्छा से एडजस्टमेंट कर लिए हैं उसके बाद से हम लोग दूसरा काम किए ये शेडो बनाए हैं सैडो बना लेने के बाद अब उसके बाद से क्या किए है? हैं गाना को ऐड किए हैं गाना ऐड कर लेने के बाद सारे के सारे जितना बड़ा गाना है उतना बड़ा अपना फोटो भी कर लिए सैडो भी कर लिए परफेक्ट है अब यहाँ से गाना को सुनेंगे और ध्यान से लिखेंगे और इसमें अब ट्रांजेसन लगाना सीखेंगे तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों ठीक है तो सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ तक आता है कि तू अदा है परफेक्ट है देख सकते हैं तू अदा है तो मैं पहला वर्ड बता रहा हूँ इसके बाद से आप बहुत ही आसानी से नेक्स्ट वर्ड बनाना सीख जाएंगे यहाँ पे प्लस करते हैं और टेक्स्ट पे चले जाते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे एक स्पेस देखें यहाँ पर लिखेंगे तू अदा है ठीक है तो ध्यान से देखिए एकदम यहीं से मेन चीज स्टार्ट हो रहा है वीडियो का जो टेक्स्ट ट्रांजेशन है जो काफ़ी कमाल का है जो आपको इंपॉर्टेंट है सीखना ठीक है टू अदा है मैंने लिख दिया यहाँ पे अब अलाइनमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करिए तो बीचे बीच आ जाएगा टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है यहाँ से वाइट कलर को चूज कीजिए रोबोटो रेगुलर पे क्लिक करके दोस्तों आपको इस फॉन्ट को ले लेना है इसका लिंक भी आपको आसानी से मिल जाएगा ये वाला फॉन्ट उसके बाद से एटीन पी पे क्लिक करना है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है ठीक है तो ट्वेंटी करके रख दीजिए यहाँ से ओके okay कर देते हैं ठीक है अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ ऑप्शन मिल जाता है स्वाफियर टू मूव लेयर

अब जो शुरू में प्लस लगाए हैं इसको कुछ, कुछ इस तरीके से कैसे करेंगे यहाँ पे कुछ इतना, इतना आपको जूम कर ले लेना, लेना, लेना है ठीक है ठीक है इतना इतना जूम कर लेना है परफेक्टली अभी इन दोनों के बीच में कर्व लगा रहे हैं दोनों के बीच आ जाएंगे कर्व वाला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे करेंगे इसको इस तरीके से फुल फुल देंगे और इसको इस एरो इस लाइनिंग पे क्लिक लगा देंगे ठीक है ठीक है अब अब इतना मैं क्या 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 क्या

अब पहला 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 प्लस प्लस आ जाना है पहला पहला प्लस, 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 प्लस को इधर से बढ़ाना है ठीक है ठीक है तो, तो पहला पहला प्लस, प्लस को इधर बढ़ा के हम लोग को फ्री करना है ठीक है यहां से देख सकते हैं फ्री हो गया परफेक्टली देख सकते हैं परफेक्ट एकदम उम्मीद है यहां तक एकदम क्लियर हो रहा होगा अब यहां से इसको बैक कर लेते ठीक है ठीक है अब आपको करना है कि से एडिट पे क्लिक करना है सबसे नीचे आएंगे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट पे जाएंगे उसके बाद से आप एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यूज करना स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेना ठीक है ठीक है अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यहां से ओपन कर लेना है ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले एक काम करना है क्या क्या टेक्स्ट शुरू में प्लस लगाना है उसके बाद से टेक्स्ट का लास्ट में प्लस लगाना ठीक है ठीक है जो जो टेक्स्ट शुरू में जो प्लस लगा है ये 0% है इसको यहां से बढ़ा के इधर इधर 15% कर दीजिए अब ये देखिए तो कुछ तरीके से टेक्स्ट है सटेगा है ठीक है और, और लास्ट वाला जो है हल्का सा छोटा छोटा कर दें हल्का सा माइनस में फाइव फाइव ठीक है ठीक है अब ये ये तक का काम काम आपका कंप्लीट हुआ है ये देख सकते हैं ऐसे 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 का सर्ट रहा है ठीक है ठीक है ब्लर के साथ उसके बाद सर्ट रहा है ठीक है ठीक है अब आपको इसे इसे टेक्स्ट क्लिक करना है इफेक्ट पे जाना है या एडिट पे जाना है और कलर एंड पे जानी है एक्सपोजर एंड सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग को करना है ठीक है एक्सपोजर एंड गामा को जैसे आप ओपन करेंगे तो टेक्स्ट का शुरू में आ जाएंगे ठीक है यहाँ पे यहाँ यहां भी अगर उतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा तो आपको करना है है एक्सपोजर और भी आप सबसे बढ़ाना है एक्सपोजर को इधर से और बढ़ाना है ठीक है ठीक है अब ये जो जो ऑप्शन है आप देखिए कितना कमाल का एकदम हाईलाइटेड है एकदम क्लियर दिख रहा है ठीक है ठीक है देख लास्ट टाइम के लिए फिर जाना 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 है टाइप क्लिक क्लिक ठीक ठीक

अब इसको अभी क्लिक करके कर होल्ड कर 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 रखना है सो में रख देना है यहाँ पे एक और प्लस लगाइए लगा अब इधर से नीचे, नीचे से ऊपर ले चले, चले जाइए एक बार ठीक है एक बार चला गया अब इसको क्लिक करके होल्ड रखना है और राइट राइट में रखना है परफेक्ट है अब नीचे आने यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं जो भी अभी कलर देना चाहते हैं हमारे लिए कलर देना चाहते हैं तो कलर दे दीजिए यहाँ से कर दीजिए ठीक है ठीक है अब स्मूथिंग पे आने के बाद स्मूथिंग को इसको करके आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है ठीक है ठीक है ताकि अच्छा लगे लगे देखना इधर से 17 17 77 कर दीजिए अब ये हैं टेक्स्ट को इस तरीके से आ रहा है आ रहा है और ऐसे करते जा परफेक्ट लग रहा है अच्छा लग रहा है उम्मीद है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड पर ये क्लिक करना या एसएस कॉपी ले कर लेना है और जहां पे आपको दूसरा वर्ड है ऐसे पेस्ट करना है पेस्ट कर लेने के सिंपल जैसे ऐसे क्लिक करना है यहां पे जो भी आप वर्ड वर्ड लिख सिंपल है करेक्ट है

अब ब्लैंडिंग पर क्लिक करेंगे लाइटिंग पे जाके इसको स्क्रीन कर देंगे ठीक है अब आप देख सकते हैं वीडियो आपका पूरा का पूरा बन के रेडी हो गया उम्मीद है बहुत ही क्लियरफुल आसानी से आप समझ गए होंगे सीख गए होंगे इस वीडियो को बनाने के लिए और ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे धन्यवाद दोस्तों थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेटे केयर बाय बाय लव यू ऑल इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे वीडियो सेलेक्ट रहेगा यहाँ से एक्सपर्ट करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों